राम सनेह संप्रदाय के जो आचार्य वे दरियाल जी महाराज, उनका भी जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, और मुस्लिम परिवार में होते हुए भी उन्होंने जो है राम नाम की उपासना की। देखो रर्रा तो रब आप है और ममा मोहम्मद जान, दो ही अरब के माने सभी वेद पुराण। अपने मारवाड़ में तो सभी राम राम सा, राम राम सा ही बोलते थे। विश्वाने देव सवितुर दुरितानि परासुर यद् भद्रं तन्नासुर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मम कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। माननीय हमारे सहकारी साहब, सम्मानित मंच एवं हमारे वीरता के प्रबुद्ध नागरिकगणों, जिस प्रकार से आल मुस्लिम चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा और विशेष करके हमारे स्वागत भाई भाटी जी के द्वारा जो ये बहुत ही सुंदर आयोजन और प्रयास जो किया जा रहा है, वास्तव में बहुत सराहनीय है। और हमारे पूर्व वक्ताओं ने सभी विषय आपके सामने रखे हैं, और वास्तव में हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो बड़ी अद्भुत संस्कृति है। भारत अनेक संस्कृति, अनेक भाषाओं और अनेक धर्मों का देश है। दुनिया में शायद ऐसा कोई देश नहीं होगा कि जिसमें इतनी संस्कृतियां हो, इतनी भाषाएं हो और इतने धर्म हो। परंतु समाज में जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो चाहे कोई भी समाज हो, चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म जो है कभी किसी को तोड़ने का काम नहीं करता है। धर्म तो सेतु का काम करता है, धर्म जोड़ने का काम करता है। परंतु हर धर्म में, हर समाज में, हर वर्ण में कुछ ऐसे दुष्चक्र चलाने वाले भी लोग होते हैं कि जो आके चिंगारी लगाने का काम करते हैं। परंतु मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं कि ऐसे जो लोग हैं वो देश में या समाज में, गांव में इतने प्रभावी क्यों बनते, उसका कारण है, उसका एक ही विचार है कि जो अच्छे लोग हैं वो आगे नहीं आते हैं, इसलिए उन बुरे लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल जाता है। समाज में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, देश में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। आप देखेंगे तो मुझे तो लगता है कि 99% लोग अच्छे हैं, केवल 1% लोग जो है आपको ऐसे मिलेंगे कि जो हमारे इस माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो दुष्ट आदमी होता है ना, दुष्ट आदमी दूसरे को दुखी करके और अपने आप को सुखी समझता है कि दूसरा दुखी हो जाए उसमें वो अपना सुख मानता है। हम अपना आदर्श किसको मानते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारा आदर्श कौन है। जो महापुरुष जिन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है, चाहे आजादी के लिए दिया हो, चाहे धर्म की रक्षा के लिए दिया हो, चाहे संस्कृति की रक्षा के लिए दिया हो, उन महापुरुषों का आदर्श यदि हम अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से पूरे देश का माहौल अपने आप ही ठीक हो जाएगा। महात्मा बुद्ध कहा करते थे अप दीपो भव, अपने दीपक बनो। यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में दीपक जलाने का मतलब क्या होता है, प्रकाश करना। हमारे राम सनेह संप्रदाय के जो आचार्य वे दरियाल जी महाराज, उनका भी जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ, और मुस्लिम परिवार में होते हुए भी उन्होंने जो है राम नाम की उपासना की। तो उनको किसी ने पूछा कि बोले आप मुस्लिम परिवार में पैदा होकर के और राम राम करते हैं तो राम का मतलब क्या है। तो बहुत सुंदर महाराज ने कहा, देखो रर्रा तो रब आप है और ममा मोहम्मद जान, दो ही अरब के माने सभी वेद पुराण। बोले अरे भैया आप समझते नहीं कि राम का मतलब क्या होता है, रे का मतलब रब, पहला पैगंबर रब है और अंतिम पैगंबर मोहम्मद है। बोले कि जो है इस राम नाम में तो तुम्हारे सभी जो है वो पैगंबर भी आ गए, और जो है तीर्थंकर जैन धर्म है तो आद ऋषभ और अंत महादेव महावीर, तो पहले ऋषभ देव है, रकार आया है और अंत महावीर है, उसमें मकार आया है। तो इतना सद्भाव कि हमारा ये जो राम नाम है वो कुल एक कोई किसी धर्म का नहीं है, तो सर्वव्यापक है। राम का मतलब होता है कि जो है हम अपने आपस में, पहले कोई भी चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी, आपस में मिलते थे तो राम राम सा, अपने मारवाड़ में तो सभी राम राम सा ही बोलते थे। इसलिए महात्मा गांधी ने भी राम राज्य की कल्पना की थी कि राम राज्य का मतलब है कि जहां कोई राग द्वेष न हो, जहां कोई ईर्ष्या न हो, सब में प्रेम का भाव हो। और हम तो उस प्रेम की मूर्ति के सामने बैठे हैं, देखो प्रेम की मूर्ति मीराबाई, मीरा का द्वार, और इसमें जो है सूर्य उदय होता है तो पूर्व से होता है,
और पूरे विश्व में उजाला करता है कि हमारा मीना द्वार भी मेड़ता के पूर्व में है और उसी पूर्व दिशा में बैठ करके और हम सभी ये प्रेम और सद्भाव का जो दीपक आज जलाने जा रहे हैं, ऐसा प्रेम भाव सब में बना रहे और हमारी सनातन जो संस्कृति है वो तो सबके प्रति प्रेम भाव इतनी सहिष्णुता है कि चाहे कोई किसी धर्म का इस मिट्टी में आया हो, भारत में आया हो, उसने उसी मिट्टी को अपना माना है। तो इस देश को हम अपना माने, इस देश के महापुरुषों को अपना आदर्श माने तो निश्चित रूप से हम सद्भाव के सब में बना रहेगा। और विशेष करके जो काजी साहब ने भी कहा, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि हम अपने बच्चों को देखें कि वो किस संस्कृति में बैठ रहे हैं, कैसे लोगों के संग में बैठ रहे हैं, क्योंकि संग का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो अच्छे लोगों के साथ बैठें, अच्छे विचार सुनें और अच्छे विचार अपने जीवन में अपनाएं तो निश्चित रूप से हम सबका भला होगा, देश का जो माहौल है वो बहुत ही सुंदर बना रहेगा। तो हर व्यक्ति ये प्रयास करे और हमारे भाटी साहब ने बहुत जो अच्छा प्रयास किया है उनको और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।